हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 2.7। अब यहाँ पे हमें इन सभी में 10 से डिवाइड करना है, तो प्रोसीजर वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में फॉलो करा था। स्टार्ट करते हैं, 4.8 को क्या बनाया, 48/10, इसका डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई 10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो ये क्या हो गया 48/100। अब अगर 100 है नीचे और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट मींस कितने के बाद डेसिमल, कितनी डिजिट आएंगी डेसिमल के बाद में, दो डिजिट, क्योंकि नीचे दो जीरो हैं, तो आंसर में हो जाएगा 0.48। अब नेक्स्ट पार्ट, 52.5/10। 52.5 की जगह 52.5 लिखा और डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दिया, क्योंकि एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, और 10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो हो गया 525/100। अब यहां पे कितने हैं नीचे, 100 है, दो जीरो है आंसर में, तो दैट मींस डेसिमल के बाद भी दो डिजिट होंगी, 5.25। नेक्स्ट पार्ट, 0.7/10, तो 7/10 हो गया 0.7 का मल्टीप्लाई 1/10, 7/100। अब यहाँ पे दो जीरो है, दैट मींस डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होंगी, तो हम 7 से पहले जीरो लगा देंगे दो, और आंसर हो गया 0.07। नेक्स्ट, 33.1/10, तो ये हो गया 331/10 मल्टीप्लाई 1/10, 331/100 क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होता है 100। अब ये दो डिजिट के बाद जीरो है, तो हम यहाँ पे आंसर में भी दो डिजिट से पहले जीरो प्लेस कर देंगे, 3.31। अब आप इन सभी क्वेश्चंस में देखिए, इन सब में 10 से डिवाइड किया था, तो यहाँ 4.8 का क्या बन गया 0.48, मतलब डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट साइड में आ गया। यहाँ 52.5 था, आंसर में 5.25, मतलब डेसिमल यहां से खिसक के इधर आ गया, मतलब 10 से डिवाइड करने पे डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 272.23 है, अब यहां भी डेसिमल हटा देंगे हम पहले, तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/10, 27223 और मल्टी डिवीजन में क्या जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000। अब यहाँ पे नीचे तीन जीरो है, तो दैट मीन्स डेसिमल के बाद तीन डिजिट होंगी हमारी, 27223 और यहाँ पे तीन डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, 27.223। सिमिलर है, एक लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट हो गया, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 10 टाइम्स हमारी डिजिट छोटी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट, 0.56/10, तो 56.56/100 मल्टीप्लाई 1/10, 56/1000। अब यहाँ पे तीन जीरो है, दैट मीन्स डेसिमल के बाद भी तीन डिजिट होंगी, तो हम 56 से पहले दो जीरो प्लेस कर देंगे और तीन डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, तो 0.056 आंसर होगा। नेक्स्ट है, 3.97/100, तो 3.97/10 यहाँ 10 है और हम यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो हो गया 397/1000। अब यहाँ डिवीजन में तीन जीरो है, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स तीन डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, तो 0.397 इसका आंसर होगा। सिमिलर है, एक डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया 10 से डिवाइड करने पर।